हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IIFL फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 33 रुपए 35 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 8% से भी ऊपर की रैली दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 434 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना था 617 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है कि जहां पर स्टॉक के अंदर एक लोअर सर्किट बनता हुआ नजर आया 315 रुपीज का। 315 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और नीचे के लेवल पर स्टॉक में एक रिकवरी आती हुई नजर आई। जहां पर स्टॉक में जो पिछला सपोर्ट लेवल था स्टॉक के अंदर 396 रुपीज, इस प्राइस को जैसे स्टॉक ब्रेकआउट देता है स्टॉक में अब लगातार देखें तो एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे को भी स्टॉक में 48 रुपीज की तेजी देखने को मिली और आज के दिन भी स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अब स्टॉक के अंदर ऊपर में एक रुकावट रेंज देखने को मिल सकता है अराउंड 265 रुपीज के करीबन। अभी स्टॉक वहां से अब थोड़े नीचे ट्रेड कर रहेगा तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 420 रुपीज का नीचे के एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर के टारगेट अराउंड 500 रुपीज के एक बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि आज के दिन देखें तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली, साथ के साथ वॉल्यूम में भी नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक के अंदर वॉल्यूम लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।